एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल फ्रांस की एक सड़क लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दूर से लोग बस सड़क पर अपनी गाड़ी चलाने के लिए आ रहे हैं। इस सड़क पर गाड़ी चलाना जितना मनोरंजक है उससे ज्यादा खतरनाक भी है। अगर आप भी फ्रांस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ की इस सड़क पर घूमने से पहले हजार बार सोच लें। दरअसल ये सड़क समुद्र के बीचों बीच बनी है और दिन में दो बार समुद्र में डूब जाती है। पैसेज डू गोइस नाम की ये हैरतअंगेज सड़क बर्नेफ की खाड़ी से नोयर मोती आइलैंड को एक दूसरे से जोड़ती है। ये सड़क देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क दिन में दो बार गायब हो जाती है। नोयर मोतीर आइलैंड जाने का केवल यही एक लौता रास्ता है। इस सड़क की वजह से हजारों सैलानी फ्रांस घूमने आते हैं। इस सड़क की खास बात यह है कि ये दिन में दो बार के लिए गायब हो जाती है। समुद्र के बीचों बीच बने होने के कारण 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क समुद्री लहरें आते ही पानी में तकरीबन 13 फीट अंदर डूब जाती है। यह घटना रोज होती है। इसको देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। इस सड़क पर ड्राइव करके वो इसका लुत्फ उठाते हैं। कई बार लोग सड़क पर तेज जा रही लहरों के बीच फंस भी जाते हैं। ये लहरें इतनी तेज आती हैं कि इस दौरान पर्यटकों को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। यहाँ पानी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है और पूरी सड़क पल भर में आँखों के सामने से ओझल हो जाती है।